नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रीसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनावों के बीच ही अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। मायावती ने ये कारण दिया था कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन 47 दिनों के बाद ही मायावती के द्वारा एक राष्ट्रीय बैठक हुई थी 23 जून को ही, जिसमें आकाश आनंद को बुलाया गया। मायावती ने इस राष्ट्रीय बैठक में आकाश आनंद को आशीर्वाद भी दिया और साथ ही आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर का पद भी उन्हें दे दिया गया। अब इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई थी कि आखिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को, जिन्होंने पहले उसे अपने पार्टी से उत्तराधिकारी पद से, अपने कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था, अचानक ऐसा क्या हुआ है पार्टी में जिसकी वजह से मायावती को वापस अपने भतीजे आकाश आनंद को लाना पड़ा। अब आकाश आनंद को पहले हटाया क्यों गया था, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले ही मायावती ने अपने उत्तराधिकारी पद के लिए आकाश आनंद का नाम सामने ला दिया था और उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि आकाश आनंद ने लोकसभा चुनावों में काफ़ी रैलियां भी की थी और सीतापुर में एक रैली हुई थी जिसमें आकाश आनंद ने बीजेपी के ऊपर काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उसके बाद सीतापुर में आकाश आनंद के नाम पर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। अब दोबारा से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया है। अब इसके पीछे क्या मायावती की कोई रणनीति है या फिर मजबूरी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब राजनीतिक जानकार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती आकाश आनंद को इसीलिए वापस लेके आई है क्योंकि लोकसभा चुनावों के बीच में ही मायावती ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को हुआ था। और अब जबकि मायावती भी ये जान चुकी हैं कि मायावती के अलावा उनकी पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आकाश आनंद की तो आकाश आनंद एक युवाचार्य हैं। ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जैसे कद्दावर नेता हैं। अब मायावती भी यही चाहती है कि युवा चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लाया जाए, उनको उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया जाए, और हो सकता है कि जिस तरह से उनके लोकसभा चुनावों में जिस तरह से आकाश आनंद ने रैलियां की थी और युवा वर्ग भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था, इसी को देखते हुए अब ये हो सकता है कि मायावती की ये रणनीति कही जा सकती है कि फिर से आकाश आनंद को लाकर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। इसी सोच के साथ हो सकता है कि मायावती फिर से आकाश आनंद को पार्टी में लाई हो। लेकिन अब ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा कि मायावती जिस तरह से आकाश आनंद को पार्टी में लेकर आई हैं, क्या वास्तव में आकाश आनंद वो चमत्कार, वो करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या फिर से बीएसपी की पार्टी में बहुत ज़्यादा सीटें मिल पाएंगी या नहीं, ये फिलहाल अपने आप में देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।